हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी की रेसिपी। सोया जो कि हाई प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, ना ही ये केवल फिट और एक्टिव रखने में मदद करता है, बल्कि ये वेट मैनेजमेंट और डायबिटीज़ में भी कंट्रोल रखता है। इसके एंडलेस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और जल्दी से हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो यहाँ मैंने एक कप सोया और 3 मीडियम साइज़ के आलू काटकर उसको पानी में भिगो दिया है। इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए भिगोए रखना है। उसके बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें लगभग 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और आधा छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा चटक जाए करीब कुछ सेकेंड्स के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज रफली चॉप किए हुए। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको मीडियम साइज़ का मैंने चॉप कर लिया है। इसको मैं यहाँ हाई फ्लेम पर भून रही हूँ, और जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए इस तरह से, तो मैं उसमें डालूँगी टमाटर। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और बड़े बड़े साइज़ में इसको काट लिया है। ये डालने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें ढककर 3 से 4 मिनट कर लो फ्लेम पर ही पकाना है। तीन से चार मिनट लो फ्लेम पर भूनने के बाद ये बहुत सॉफ्ट और मशी हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से मैश कर लीजिएगा, और मैश करने के बाद जो हमने पोटैटो और सोया काट कर रखा था वो हम पानी से निकाल कर इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ आधी कटोरी पानी लिया है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी भी ले सकते हैं, पर ये सूखी सब्ज़ी कम ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद मैं प्रेशर कुकर को बंद करूँगी और 2 विसल तक हाई फ्लेम, और उसके बाद 5 मिनट तक लो फ्लेम पर रखकर गैस को बंद कर दूंगी। तो कुकर खोलने के बाद हम देखेंगे कि ये अच्छी तरह से पक चुका है, और आप करीब 2 या 3 आलू को इस तरह से मैश कर लीजिएगा, इससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है अगर आप ग्रेवी रख रहे हैं तो। उसके बाद मैं यहाँ डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अगर आप रोस्ट करके डालेंगे थोड़ा सा तवे पर भूनकर, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बस ये बनकर अभी तैयार है, हम इसको अब सर्व करेंगे। इसको आप चपाती या पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कसूरी मेथी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा 4 चांद लगा देता है। तो देखिए लग रही है ना, बिल्कुल चटपटी और मज़ेदार। तो आप कभी ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं मुझे जल्दी से लिखकर बताइए आपको ये कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।